खबर टीकमगढ़ से है, जहां ग्राम लमीरा निवासी रामगोपाल तनय रामदास कुशवाहा ने पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे और पुलिस महानिदेशक भोपाल और आईजी और डीआईजी छतरपुर को प्रार्थना पत्र देकर बताया उसकी पुश्तैनी कृषि भूमि पर गांव के नामी भूमाफिया कमलेश यादव, तनय कलू यादव सहित दबंगों ने कृषि भूमि पर कब्जा कर लिया था। पीड़ित रामगोपाल कुशवाहा ने जिला न्यायालय में जमीन संबंधी मामला दायर किया था। 3 वर्षों के बाद जिला सत्र न्यायालय ने पीड़ित पक्ष के हित में फैसला सुनाया। पीड़ित ने बताया न्यायालय के फैसले के बाद भी भूमाफियाओं ने हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पीड़ित पक्ष ने पुलिस अधिकारियों पर रिश्वत लेकर माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। वहीं अपनी जान को भी खतरा बताया। फिलहाल पुलिस थाना प्रभारी नितेश दुबे ने आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। पीड़ित परिजन आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सुबह 7 तारीख को 10 बजे हम लोग खेत में चले जाते थे कटावती के, जैसे लोग आए तो लोग 11 आदमी दादरी में था सर, हरियाणा, और मेरे पास सुबह 10 बजे मैंने फोन लगाया जब इन लोगों को कि घर पे कोई समस्या तो नहीं है, कैसे भी मैंने किसी से पूछ लिया से बच्चों से, तो बच्चों का मोबाइल मेरे भाई के पास था, तो जब उसका फोन लगाया तो मैंने उससे पूछा तो बोला मुझे यादव जीरा लाल यादव और कैलाश यादव, प्रमोद यादव, कल्लू यादव और भगवान दास पटौरी वाले, अंगूरी यादव और राजकुमारी यादव।